हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2023 कट ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इस वीडियो में आप सभी को पीटीटी एग्जाम 2023 सभी कैटेगरी की एकदम सटीक जो है आप सभी को कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, मैं एमबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हूँ, जो भी कैटेगरी है आपकी तो उस कैटेगरी से हूँ, मेरी कट ऑफ रहेगी, मुझे क्या नजदीक कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने अंक आने पर मुझे नजदीक कॉलेज मिल सकती है, या ऑल राजस्थान में कहां पर कॉलेज मिल सकती है, कितने अंक आने पर या फिर मेरे मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में आप सभी के जो डाउट्स है वो क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अभी इस वीडियो को क्या कर दीजिए, आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि इस वीडियो में चाहे आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपने एग्जाम दिया था, चाहे 2 ईयर बीएड आपने कोर्स के लिए एग्जाम दिया था, आपकी सबकी जो यहां पर कट ऑफ बताने वाला हूं, क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीटी 2022 कट ऑफ जो है ये एक एक्सपेक्टेड अनुमानित सटीक कट ऑफ है, ठीक है। इसी के इधर की जो आपकी कट ऑफ रहेगी कितनी क्या कट ऑफ रहेगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीएड, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर फेल मेल और जो फीमेल है उनकी अलग अलग कट ऑफ दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के, ठीक है, यदि आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी से आपने यहाँ पर फॉर्म भरा था तो जनरल कैटेगरी के यदि आप मेल स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 330 से 350 तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम कंफर्म यहाँ पर क्या है, एकदम कट ऑफ है, ठीक है। 330 से लगाकर 350 तक आपकी जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, यदि आप मेल से है और जनरल कैटेगरी से यदि है तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। अब ये जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है। एक होता है मैक्सिमम कट ऑफ, मैं आपको एकदम समझा लूँ, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम और ये होती है मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो जाने का कोई चांस नहीं है, कम जा सकती है, इससे भी कम जो यहाँ पर जा सकती है, कम ज़्यादा नहीं, 5 नंबर का फर्क हो सकता है, अंतर हो सकता है, बाकी कोई ज़्यादा नहीं होगा। बाकी इससे ज़्यादा जो यहाँ पर है ना वो यहाँ पर कट ऑफ जाना बहुत ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं जा सकती। बाकी यहाँ पर फीमेल की यहाँ पर आप देख सकते हैं 310 से 320 रहेगी। उसी प्रकार से यदि आप ओबीसी कैटेगरी के मेल से है, मेल स्टूडेंट से फॉर्म भरा है आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 315 से 330, यदि फीमेल में हो तो आपके 300 से 310। इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ जाएगी वो मेल, ठीक है, मेल स्टूडेंट है तो आपके यहाँ पर 295 से 305 तक जा सकती है। बाकी यदि आप फीमेल से है तो 290 से यहाँ पर 300 तक आपकी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। बाकी ऐसी कैटेगरी से है तो 280 से 290, 270 से 280 यदि आप फीमेल से है। बाकी एसटी की यहाँ पर आप देख सकते हैं 275 से 285 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 265 से 270, यदि फीमेल और मेल की दोनों की अलग अलग है। बाकी एमबीसी की यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 से 310, 290 से 300, ये जो यहाँ पर फीमेल की है। इस प्रकार से ये तो है बीए बीएससी प्लस बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपने फॉर्म लगाया है तो उसमें जो यहाँ पर ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी रिजल्ट आने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं उन पर यहाँ पर आपका डिपेंड होगा। बाकी कट ऑफ जो यहाँ पर कम ही जाएगी और इससे आप एक अनुमान लगा सकते कि मेरे जो यहाँ पर इतने नंबर आपने आंसर की चेक की होगी, आंसर की से आपने एक अनुमान रिजल्ट निकाला होगा कि इतने मेरे जो यहाँ पर मार्क्स बन सकते हैं। यदि आपके 300 बन रहे तो एक आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी में यदि 300 बन रहे तो आपके चांस कम हो जाते हैं आपका जो यहाँ पर कॉलेज मिलने। बाकी आपको काउंसलिंग करवानी जरूरी है, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है, इसके लिए क्या योग्यता है, क्या आवश्यक दस्तावेज है, इसके लिए भी फुल डेडिकेटेड वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कट ऑफ का फुल एनालिसिस होने वाला है। यहाँ पर 2022 में क्या कट ऑफ रही थी, 2022 में जब एग्जाम हुआ था तब क्या कट ऑफ रही थी, 2023 में अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितना कट ऑफ का अंतर है वो भी इस वीडियो में ही आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा। फिर हम बात करेंगे बीएड के लिए, ठीक है। बीएड 2 ईयर, इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक तो है साइंस कैटेगरी, ठीक है, जिन्होंने साइंस से यहाँ पर फॉर्म है और जिसके आर्ट्स से है, ठीक है, इसमें भी 2 यहाँ पर कैटेगरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस वालों का,
ठीक है, कि साइंस की क्या कट ऑफ रह सकती है। इसमें मेल और फीमेल का मैंने एवरेज लगाया है, ठीक है, कि इतनी एवरेज तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए टू ईयर साइंस जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म लगाया है तो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 330 से 370, ठीक है, यहाँ पर ये आपके बीच में कट ऑफ रह सकती है बीए टू ईयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी है तो 330 से 340 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है, एससी है तो 290 से यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है, बाकी एसटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 से 280, ईडब्ल्यूएस 300 से 330 और एमबीसी 320 से 340। अब यहाँ पर दो यहाँ पर जो है ना 300 से 370 के बीच में कट ऑफ रहेगी, तो यहाँ पर 370 जो यहाँ पर है लास्ट वाला जो यहाँ पर अंक है, यहाँ पर मान लीजिए आपके 370 नंबर आ गए तो ये एक मैक्सिमम कट ऑफ का मार्क्स है, ठीक है, जिसे हम मैक्सिमम मार्क्स कहेंगे। तो ये मैक्सिमम है, यदि 370 आ जाते हैं तो 100% आपको जो है कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। बाकी 303 मिनिमम है, यानी ये लास्ट काउंसलिंग तक, क्योंकि काउंसलिंग के भी अलग अलग राउंड होते हैं, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकेंड काउंसलिंग होगी, थर्ड भी हो सकती है और वो सीटों पर डिपेंड करता है, इस प्रकार से थर्ड फोर्थ इस प्रकार से जो यहां पर आपके राउंड चलेंगे काउंसलिंग के। यदि जब भी आप एक बार ही काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा फिर राउंड चलेंगे और आपका काउंसलिंग का रिजल्ट जो है यहां पर अलग अलग जो है यहां पर डेट में जारी होगा। आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन एक ही बार करना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, नहीं, एक बार आपको आवेदन करना है फिर लिस्ट जो है वो अलग अलग जारी होगी। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट, यदि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है तो चांस है कि सेकेंड काउंसलिंग में हो जाएगा, वो आपके डिपेंड करता है मार्क्स पर। जो भी आपका पीटीटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएंगे। बाकी जून के तीसरे सप्ताह का जो अपडेट है, यानी रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी रिजल्ट आ सकता है, उसको लोगों जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही जल्द जारी होगा, ठीक है। बाकी आपको पल पल जो हमारी वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं तो उन पर हम फुल जो है यहां पर डेडिकेटेड से जो यहां पर वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, फिर ये तो थी साइंस की, जो साइंस फैकल्टी, जो साइंस जो स्टूडेंट है उनकी ये कट ऑफ रह सकती है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स से आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं आर्ट्स, ठीक है, जो आर्ट्स जो आपके, यदि आर्ट्स सब्जेक्ट है, आपने आर्ट्स से यदि बीएड के लिए आपने आवेदन किया है, अप्लाई किया है फॉर्म, तो उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसके लिए हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की, यदि आपने जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके जो कट ऑफ रहेगी वो 320 से 360 तक रहेगी। कितने रहेगी? 360 टू 320 टू 360, ठीक है, इतनी यहाँ पर आपको कट ऑफ रह सकती है। 360 मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा और 320 है वो मिनिमम मार्क्स हो जाएगा, यानी इनके बीच आपकी कट ऑफ रहेगी। इतने इनके बीच में नंबर आता है तो आपको 100% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, यानी 300 से 320 तक। ओबीसी है तो 310 से 340, एसटी है, एससी है तो यहाँ पर 270 से 290 एंड एसटी है तो 260 से 300 तक, और यदि एमबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 310 से 330 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आर्ट्स स्टूडेंट की कट ऑफ, जो कि एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन सटीक कट ऑफ है इसी के यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 5 नंबर का, ठीक है, 5 मार्क्स का आपका जो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और ये जो मार्क्स जो यहाँ पर कट ऑफ है, जो लास्ट वाले वो मैक्सिमम है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स से इतने नंबर तक आता है तो आपका 100% जो यहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। बाकी अब हम बात करेंगे 2022 की, क्या अनुमानित कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ रही है, उसी के अनुसार हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आपको फुल जो यहाँ पर कट ऑफ कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी की फुल आपको एनालिसिस मिल जाएंगी, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहना है। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना कोई भी अपना जो ब्राउजर है, चाहे वो क्रोम हो, गूगल हो, जो भी अपना ब्राउजर है वो आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर ब्राउजर में आपको सर्च करना है argstudymonitor.com, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं argstudymonitor, ये आपको सर्च करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं argstudymonitor.com, यहाँ पर सबसे पहले आपको सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीटी एग्जाम 2023 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट कट ऑफ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट में शो हो रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना 2022 ठीक है 2022 की कट ऑफ मिलेगी, 2022 की कट ऑफ मिलेंगी, 2023 की भी कट ऑफ मिलेंगी, और दोनों कट ऑफ को जो यहाँ पर एनालिसिस करके बता दिया गया है सटीक कट ऑफ। आपने अभी तक जो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर क्लियर नहीं हुए तो इस वेबसाइट पर जो आप जाकर इस पूरी की पूरी पोस्ट को अच्छे से देखे, आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ का जो यहाँ पर फॉर्मूला अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाकी काउंसलिंग वगैरह को लेकर जो भी अपडेट रहेगा वो हमारे इसी वेबसाइट पर जो सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ।